कि आपके कबूतर में भी लकवा आ चुका है या आपका कबूतर सूखे की बीमारी से गूंज रहा है, इस समय जूझ रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर इसका आप इलाज जानना चाहते हैं, कंप्लीट इलाज, आज बात करने जा रहे हैं कबूतरों के बीमारी के बारे में कि लकवा जो सूखा आता है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है और किस तरीके से रहता है। और उससे चैनल पर बढ़ने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अमन, आप देख रहे हैं अमन प्रभाकर यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं वीडियो के, होता क्या है बेसिकली, ये लकवा आता कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं पहले, तो फिर सिम्टम्स बताएंगे, फिर आपको उसके मेडिसिन के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। होता क्या है, देखिए हम कोई भी पंछी कहीं से भी ले आते हैं और उसको ला करके अपने लॉफ्ट के अंदर डाल देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने उस पंछी के साथ में कुछ भी ना उसे क्वारंटाइन किया ना कुछ किया, और सीधा आपने ला करके उसे डाल दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, वो बर्ड इन्फेक्टेड था, इन्फेक्शन की वजह से आपके सारे कबूतरों में इन्फेक्शन आ गया और आपका दड़बा खत्म हो गया, उसमें वायरस फैल गया। तो उस कंडीशन से स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब कबूतर आप लेके आए इन्फेक्शन का और आप ला करके आपने कबूतरों में डाल दिया, अब वो क्या होगा, वो कबूतर पानी पिएगा और पानी पीने के बाद में वो सारा इन्फेक्शन फैलेगा उसके अंदर, पानी से भी फैलता है, यहाँ तक कि आपके जो चप्पल के अंदर बीट लगी होती है उससे भी फैलता है। दो कंडीशन तो ये हो गई। अब स्टार्टअप कैसे होता है इस बीमारी का, सबसे पहले कबूतर की आंख बुझनी बंद होगी, हल्की हल्की हल्का हल्का आंख वो छपकेगा, टिमटिमाएगा आंखों को बेसिकली अपनी। उसके बाद में आपको देखते देखते एक आध दिन के बाद ही वो कबूतर खाना दाना पीना छोड़ देगा, दाना खाना जो दाना खाना या फिर पानी वगैरह पीना टोटली सब कुछ छोड़ देगा, या फिर ज्यादातर पानी के ऊपर रहेगा, पानी पानी पीता रहेगा और वो सूखे के अंदर आएगा, करते करते या तो वो गर्दन ट्विस्ट में चला जाएगा या फिर झोले में जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली सिम्टम्स होते हैं कि पहले आंख में जाला आता है या फिर आंखें टिमटिमाता है, और इस सिम्टम से बचने के लिए सिर्फ मेन चीज तो मैं यही कहूंगा, दवाइयां तो देखो बात की बात है, अगर आप पहले उसको प्रिकॉशन रखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी। आप कबूतर ऐसी जगह से खरीदें जहां पे गंदगी ना हो, चाहे वो किसी की छत हो चाहे वो गल्ला हो, और खास कर गल्ले में भी वहां से खरीदें जहां पे आपको लगता है कि बंदा कम से कम दाना डालता होगा। मोस्टली जितने गल्ले चल रहे हैं इस समय, आप कहीं पे भी जाकर देख लीजिए, पानी में बीठे पड़ी होती है, उन्हीं पानी को वो पीते रहते हैं, दाने के नाम पे टटियों में दाना डाल दिया जाता है, उसमें टटियों में दाना खा लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, ऐसी जगह से कबूतर खरीदना आप बिल्कुल बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। चीज लें, पैसे आप दे रहे हैं, अच्छी चीज लेके आए, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन है वो ये ट्विस्ट ऑफ इट, सभी की देखी वाली मेडिसिन है, आज की नहीं है, काफी पुरानी मेडिसिन है, काफी ज्यादा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये लकवे में, सूखे में, उल्टी और दस्त में, ये चारों चीजों में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इस मेडिसिन को अपने कबूतर को ठीक करने के लिए इजिली दे सकते हैं। कोर्स बहुत सिंपल है, 6 गोली सुबह 6 गोली शाम, और सीधा डायरेक्ट उसके मुंह में डालनी खाली पेट। उसके अलावा अपने बीमार कबूतर का आपको रखना है ध्यान। ध्यान कैसे रखना है, उसको टाइम टू टाइम खाना खिलाते रहना है, सुबह के टाइम थोड़ा शाम के टाइम ज्यादा। उसके अलावा आपने जो ब्रूटॉन सिरप या ली 52 आता है वो आपने डालना है उसके मुंह में, ताकि जितना आपने दाना दिया है वो उसका हजम हो जाए। जब वो हजम हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फिर आराम से बीमारी से लड़ने के काबिल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जो दवाई का कॉस्ट है वो है 200 रुपए। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, जहां भी आप कहेंगे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे कैटलॉग पे पहुंच जाएंगे। जो भी सामान आपको चाहिए सब आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर कबूतरबाजी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो अपने सामने की लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और चाहते हैं आप के कोई किसी बीमारी के बारे में जानकारी के लिए तो राइट वाली वीडियो क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। और बीच में चैनल का आइकन दिया हुआ है, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।